हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज दीपावली है और आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग किस प्रकार से दीपावली मना रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो अभी दिया बत्ती अभी नहीं जलाई हूँ, बस शाम के अभी लगभग 4 बज रहे हैं और मैं अभी तैयार हो गई हूँ। देखिए ये मेरा लुक, क्योंकि अभी मुझे लक्ष्मी गणेश जी की पूजन भी करनी है और उसके बाद फिर मेरा घर का देवता जो है उसका भी पूजा करना है। तो मैं पहले से तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि और भी सामान मुझे चाहिए, उसको मैं सब जुगाड़ कर रही हूँ। और आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड, मेरी बेटी देखिए रंगोली बना रही है, अभी पूरा बना नहीं है, अभी आधा अधूरा बना हुआ है। देखिए बहुत ही सुंदर रंगोली है, बस अभी स्टार्ट की है और आधा एक घंटा में जो है रंगोली पूरा बन जाएगा। तो देखिए रंगोली कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ये मेरी बेटी बनाई है। ये देखिए मेरी बेटी चली आई है छोटी वाली, उसको तैयार होने से बोल रही सुबह से ही। देखिए कैसी है वो भी बेटा, नया पहन लो तो मुझे नहीं पहनना मम्मी, मैं नया, मैं सुबह का नया पहनी हुई है और सुबह का ड्रेस है इसका। दिवाली है, आज क्या करेंगे? आज पटाखा जलाएंगे। बाहर में क्या कर रही थी? हम खेल रहे थे, हनुमान चला आ गया था। कहाँ बेटा? कोई खाने। अरे कितना बड़ा, कितना बड़ा हनुमान था, इतना इतना छोटा, इतना इतना। अरे तब बाहर नहीं जाना है। अब देखो अभी अभी क्या करना है, अभी दिया जलाना है सब जगह। हाँ। ठीक है, और उसके बाद पटाखा छोड़ना है। पटाखा छोड़ना है ना। हाँ, तो फ्रेंड लोग को बोल दो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप कैसे आपको आ जाए ना, आप कोई नहीं आ रहे हैं कन्या, तुम आ जाएंगे ना। ठीक है, बाय बाय। तो फ्रेंड अभी शाम के 6 बजे हैं और मैं अपने पूजा घर में आई हूँ। मेरा जो कुल देवता है, जिसको हम लोग वास्तव थान भी बंगला में बोलते हैं, मैं अभी कुल देवता का मैं पूजा कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ उसमें। तो हमारे यहाँ कुल देवता का दिया जो है मिट्टी का हम लोग नहीं जलाते हैं, वो जो आटा का दिया हम लोग बना करके जो होता है, जो कच्चा आटा का दिया ही हम लोग उसमें जलाते हैं। और फिर कुल देवता का दिया जलाने के बाद फिर मैं लक्ष्मी गणेश जी की मैं पूजन कर रही हूँ। तो मैं प्रत्येक साल जो है लक्ष्मी गणेश जी का मैं पूजन करती हूँ। तो यहाँ पूजा पाठ होने के बाद ही जो है हम लोग हर जगह दिया बत्ती हम लोग जलाएंगे। तो अभी मैं लक्ष्मी गणेश जी की मैं पूजन कर रही हूँ और यहाँ देखिए मेरी बेटी का रंगोली बन गया है, दिखने में अच्छा लग रहा है रंगोली। और मेरा पूजा घर में पूजा होने के बाद जो है मैं हर जगह जैसे कि घर बाहर दरवाजे छत पर जहाँ पर भी हो तो फिर मैं दिया जलाऊँगी। फ्रेंड अभी बेड पर थोड़ा बैठी हूँ, पूजा वूजा सब हो गया और अभी और नियम है हम लोग का इधर होता है, वो मैं दिखाऊंगी क्या होगा। और अभी मैं प्रसाद खाने के लिए बैठी हूँ, तो मैं कटोरी में थोड़ा प्रसाद ली हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, फास्टिंग में हूँ। और क्योंकि फास्टिंग रह के ही मैं ये पूजा करती हूँ, घर का पूजा लक्ष्मी गणेश जी की पूजा जो भी है, तो मैं प्रसाद भी सब मुँह में प्रसाद डालूंगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो भी बनेगा भी रोटी वगैरह मैं खाऊंगी। अभी बेड पर बैठी हुई हूँ, यहाँ देखिए छोटी वाली बेटी मोबाइल देख रही है और बड़ी वाली बैठी हुई है। बड़ी वाली नहीं, मोबाइल नहीं देख रही थी, छोटी वाली मोबाइल देख रही है, बड़ी वाली बैठी है। नहीं, तो
उल्लू बना रहे हैं? किसका? किसको उल्लू बना रहे हैं? उल्लू कौन बन रहा है बेटा? हम उल्लू बन रहे हैं। उल्लू कौन बन रहा है? देखो 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 ना, टीका आ जाए, टीका टीका। तो फ्रेंड देखिए, ये दिवाली के दिन जो है हम लोग यहाँ हुक्का बाती भी खेलते हैं। तो इसमें जैसे घर के जो जेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी है, तो ये संती का बना करके जो है हुक्का बाती खेलते हैं। और ये जला करके जैसे गांव घर में जहाँ तक अपने हो इच्छा अनुसार घूमते हैं, और घूमने के बाद जो है पूरे घर में दिखाने के बाद, और ये हुक्का बाती जो है पूरा बच्चे लोग एंजॉय करके खेलते हैं। अभी भी ये जो है परंपरा गांव में होती है, और अभी तो टाउन में ये नहीं हो रही है, ये परंपरा टाउन में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये संती जो है अभी टाउन में मिलता भी नहीं है, और ये गांव घर में अभी भी ये चल रहा है। तो मेरे यहाँ जो है पहले से ही हर कोई करता था। तो देखिए मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे लोग ये जो है हुक्का बाती खेल रहे हैं, और काफी देखिए वो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो क्या आप लोग यहाँ भी ये हुक्का बाती खेलते हैं? यदि खेलते होंगे तो प्लीज मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। और लोगों का मानना ये भी है कि इसके जो धुएं होते हैं, हुक्का बाती भी खेलते हैं, इसके धुएं से भी जो है जैसे कि कीड़े मकोड़े जो भी है वो जो है भाग जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि दिवाली के बाद जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं बहुत ही कम दिखते हैं, मच्छर वगैरह भी। तो ये पुराने बुजुर्गों का ये कहना है। के दर्शन करने के लिए, तो ये काली माता का मंदिर है, ये हमारे घर के बगल में ही है, मोहल्ले में उठी हुई है। तो ये हम लोग सभी मिलकर ही उठाते हैं ये माता का मूर्ति, काली माता का। ये देखिए ये काली माता की मूर्ति है। तो यहाँ मैं अभी रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं। हेलो फ्रेंड, तो रात काफ़ी हो गई है और अभी लगभग 10:30-11 बजने चले हैं, और हो गया पटाखा वटाखा सब छोड़ लिए हम लोग, दिया बत्ती सब जला लिए। तो दिवाली अच्छा से ही रहा। होता क्या है कि देखिए दिवाली का मजा तो असल में बच्चे ही लेते हैं, वही लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हम लोग तो हाउस वाइफ लोग दिन भर काम में ही व्यस्त हो जाते हैं। देखिए मेरी बेटी हंस रही है, उसको बोल रही बेटा सो जाओ, तो बोलती नहीं मम्मी तुम बैठे सो जाओ। खाना पीना सब हो गया है, तो वीडियो को मैं इन नहीं की थी, मैं वीडियो देखते देखे इंड की ही नहीं हूँ, मैं सोची वीडियो को इंड कर देती हूँ। तो फ्रेंड आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और मैं अभी न्यू मैं चैनल खोली हूँ, जितना मेरे से बन पा रहा है मैं अपना वीडियो मैं दे रही हूँ, आप लोग सब में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और हर किसी को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए जिससे मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँ। और बस आप लोग मेरे पास ऐसे ही बने रहिए, और मेरे वीडियो को आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए। तो बच्चे लोग भी अभी सो गए हैं, वो लोग भी सुबह से बहुत ही थक गए हैं, तो और असल मज़ा तो बच्चे लोग का ही होता है। और मेरी बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली बेटी सो नहीं रही थी, मम्मी तुम कब सोओगी, और मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, तो मतलब बेटा सो जाओ रात भी हो गया है, तो सोई है अभी, ऐसे जल्दी सोती भी नहीं है, 10:30-11 बजता है कोई सोती है, मेरे पीछे पीछे घूमते रहती है। तो काम भी उतना ही बिखरा पड़ा है, एक तो त्यौहार के पहले जो काम होता है, फिर बाद में जो काम होता है, मतलब किचन सारा उसी तरह पड़ा हुआ है, और सुबह पता नहीं रात में इतना लेट से सो रही है, अब सुबह कितना बजे उठना होगा, थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा, और सुबह उतना ही काम रहेगा, घर पूरा बिखरा पड़ा है। होता है ना क्या कि पटाखे का पूरा जो कचरा रहता है, इतना कचरा फैल जाता है बच्चे लोग का, और ये समझिए कि एक तरह से ये दिवाली ऐसा पर्व है कि जितना ही साफ सफाई हम लोग पहले से करके रखते हैं, उतना ही गंदगी इस दिवाली में होती है, पटाखों का धुओं का हर तरफ से। जैसा सोच के देखिए, मैंने अभी बाहर जाके देखती हूँ तो सारे तरफ पटाखे का कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है,
यानी कि सुबह उतना ही साफ करने में भी टाइम लगेगा। तो खैर ये तो है ही, लेकिन पर्व त्योहार का अपना ही अलग मजा होता है। तो काफी इंजॉय किए हम लोग और अच्छे से ही मना। तो आप लोग इस प्रकार से ये त्योहार मनाए हैं दीपावली, तो प्लीज मुझे भी कमेंट करके बताइएगा और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो फ्रेंड मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग कुछ भी जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही मुझे समझ में आएगा कि मैं किस प्रकार से मैं वीडियो आप लोग के पास में पहुंचा रही हूं और किस टाइप से मैं वीडियो अपना दे रही हूं। तो मुझे कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए। मैं अभी नया ही चैनल खोली हूं, मुझे इतना भी नहीं मालूम है, मैं भी अभी सीख रही हूं। तो सीखते सीखते ही सब कुछ पता चलता है। और आप लोग तो मेरे YouTube फैमिली हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट मुझे प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरे चैनल में आप लोग यदि नए आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही कुछ मिल जाएगा लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलेगी। और इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखिए मेरे चैनल को। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मिलती हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय और गुड नाइट। और आप लोगों को फिर से मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और हैप्पी दिवाली। आप लोग खुश रहिए, इंजॉय कीजिए और आप लोगों को ईश्वर मनोकामनाएँ आप लोग को पूरी करें और हर तरफ से आप लोग खुश रहिए। गुड नाइट।